हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? सभी आशा करता हूँ अच्छे होंगे। फ्रेंड, आप सभी बैंक अकाउंट तो आपके सभी के होंगे। फ्रेंड, कभी कभार आपको एक कोई भी बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ जाता होगा एंड आप उसको ओपन करने के लिए आप किसी भी नियरेस्ट बैंक ब्रांच में आप जाते हैं। अगर ऐसा हो जाए कि आप अपने मोबाइल से ही बैंक अकाउंट को ओपन कर लें एंड आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड ना हो फ्रेंड, तो ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा। फ्रेंड, आज की वीडियो इसके ऊपर रिलेटेड रहने वाली है एंड एक और वीडियो यहाँ पर इसी के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाई थी जूनियो कार्ड एंड यहाँ पर वो मुझे कार्ड डिलीवर्ड हो चुका है एंड उसकी मैंने यहाँ पर पेमेंट टेस्ट करूँगा ATM पे जाकर एंड आपको दिखाऊंगा कि वो ATM पर वर्क कर रहा है कि नहीं। पहले यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने घर ही बैठे में आप एक बैंक अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। फ्रेंड, देरी ना करते हुए यहाँ पर मैं आपको बताना स्टार्ट कर देता हूँ। मैं सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है जो कि मैं लिंक डाल दूंगा एंड जैसे कि आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड, जैसे कि इस एप्लीकेशन का नाम है मैं बता देता हूँ। फ्रेंड, जैसे कि ये एप्लीकेशन मैंने डायरेक्ट ही चालू कर दिया। फ्रेंड, जैसे कि इस एप्लीकेशन का मैं नाम भी बता देता हूँ। फ्रेंड, इसका नाम है नियो एक्स डिजिटल सेविंग इकोटेक्स। जैसे इसका नाम यही फ्रेंड है एंड आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। ये प्ले स्टोर पर सिंपली अवेलेबल है एंड ये आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद फ्रेंड यहाँ पर इसे ऐसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद फ्रेंड यहाँ पर आपको एंट्री योर फ़ोन नंबर, आपसे यहाँ पर मोबाइल नंबर मांगा जाएगा एंड आपको ये मोबाइल नंबर डाल देना है। फ्रेंड, डालने के बाद आपको क्या करना है फ्रेंड, जैसे कि आपके फ़ोन पर एक OTP जाएगा एंड आपको OTP ऑटो फिल हो जाएगा या तो आप उसे ऑटोमेटिकली डाल सकते हैं एंड डालने के बाद फिर यहाँ पर आपका वेरीफाई कर लिया जाएगा। फ्रेंड, मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको ईमेल आईडी बोली जाएगी। आप उस ईमेल आईडी को भी चूज कर लीजिए जो आप रखना चाहते हैं। फ्रेंड, जैसे कि यहाँ पर मैंने ईमेल आईडी भी दे दिया एंड आपको इसके बाद यहाँ पर आपको सिर्फ योर 2-in-1 अकाउंट टेक जस्ट 100 सेकेंड। फ्रेंड, यहाँ पर 100 सेकेंड में यहाँ पर आपका अकाउंट रेडी कर दिया जाएगा। फ्रेंड, जैसे कि आपके लिए क्या क्या आपके रिक्वायर्ड होने चाहिए, आपको यहाँ पर आधार कार्ड एंड पैन कार्ड नंबर होना बहुत जरूरी है। फ्रेंड, यहाँ पर आधार कार्ड के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक हो तभी आप कर सकते हैं। फ्रेंड, जैसे कि आजकल तो सभी के साथ आधार कार्ड नंबर लिंक हो रखे होंगे एंड पैन कार्ड भी आराम से आपके पास अवेलेबल होगा। फ्रेंड, यहाँ पर ये अगर आपका दो चीज़ें हैं तो आप आराम से अपना बैंक अकाउंट टैक्स बैंक में यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। जैसे कि ये इकोटेक्स बैंक के साथ है तो यहाँ पर आपको क्या क्या मिलना है, ये नियो मनी अकाउंट क्रिएशन, जैसे कि 0% कमीशन म्यूचुअल फंड एंड सेविंग अकाउंट क्रिएशन अर्न 7% इंटरेस्ट बैलेंस 1 लाख to 1 करोड़ तक आप इसमें रख सकते हैं एंड यहाँ पर आपको 7% के हिसाब से इंटरेस्ट यहाँ पर दिया जाएगा। करने के बाद फिर यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड दे देना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने अपना पैन कार्ड भी देखा। फ्रेंड, जैसे कि ये मैंने स्टेप पहले कर रखे हैं, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेकर रखे हैं इसलिए यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट के जरिए यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। फिर यहाँ पर आपको पैन कार्ड भी डाल देना है एंड आधार कार्ड डिटेल आपको डाल देनी है एंड डालने के बाद जैसे आप दोनों डाल सकते हैं, आधार कार्ड डाल सकते हैं या वर्चुअल आईडी आप डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आधार कार्ड नंबर डालकर अपने यहाँ पर OTP के साथ वेरीफाई कर लिया एंड वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर आई एग्री पर आपको क्लिक कर देना है एंड आई एग्री पर क्लिक करते ही आपका फिर जैसे कि अगर आप आधार कार्ड OTP के जरिए यहाँ पर करते हैं तो ये आपका अकाउंट 12 मंथ के लिए मतलब 1 साल के लिए यहाँ पर वैलिड रहने वाला है एंड वैलिड होने के साथ अगर आप इसकी फुल KYC करा लेते हैं तो यहाँ पर लाइफ टाइम रहने वाला है एंड यहाँ पर आपका अगर फुल KYC नहीं कराते ये अकाउंट आपका 1 ईयर के लिए रहने वाला है। फ्रेंड, यहाँ पर आप इसको 1 साल के बाद आप मतलब इसको फुल KYC करवा कर आप इसको अपना अकाउंट को पूरा का पूरा यूज कर सकते हैं एंड आपको इसमें आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड भी दे दिया जाएगा एंड आप इसको कहीं भी जाकर यूज कर सकते हैं। फिर जैसे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आसानी से आप यूज कर सकते हैं। फिर करने के बाद फिर यहाँ पर आपको सब डाल देना है एंड योर अकाउंट इज बीइंग क्रिएटेड, यहाँ पर आपका अकाउंट क्रिएट किया जा रहा है एंड क्लिक करने के साथ यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर कर दिया गया एंड यहाँ पर हम आगे स्क्रॉल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा बोल दिया गया है पूरा अकाउंट इज रेडी। फ्रेंड, जैसे कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर हाइड कर रखा है एंड आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएगा। फ्रेंड, यहाँ पर नेम, अकाउंट, IFC, कस्टमर आईडी, असाइनमेंट ब्रांच एंड यहाँ पर मेरा अकाउंट रेडी हो चुका है एंड आपको अब सीधा यहाँ पर मैं इस एप्लीकेशन के अंदर ले जा सकता हूँ एंड आपको बता देता हूँ यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा।
फ्रेंड जैसे कि यहाँ पर मैं एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो चुका हूँ एंड यहाँ पर मेरा सब कुछ आपके सामने नज़र आ रहा होगा। फिर यहाँ पर सेविंग, यहाँ पर जैसे कि 9 रुपीज़ यहाँ पर मुझे आप देख सकते हैं मेरे अकाउंट में यहाँ पर रखे हैं। फिर यहाँ पर आप KYC विजिट शेड्यूल भी दिखा रहा है। फिर यहाँ पर आपको क्रेडिट UPI भी ID भी दिखा रहा है एंड सब कुछ आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप सजेस्ट, यहाँ पर आप एक्शन में देख सकते हैं क्या क्या कर सकते हैं। आप यहाँ पर ट्रांजेक्शन आप देख सकते हैं, ट्रांसफ़र मनी कर सकते हैं, कार्ड सेटिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। जैसे सेविंग, इन्वेस्टमेंट, सर्च, मेनू, जैसे मेनू के ऑप्शन में चले जाते हैं जैसे कि आपको यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर सिक्योरिटी, स्पोर्ट, रिवार्ड, जैसे कि रिवार्ड के सेक्शन में अगर आप इसको बैंक अकाउंट को ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपका फर्स्ट अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं 150 रुपये का तो आपको यहाँ पर कुछ भी रेंडमली अमाउंट दे दीजिए। जैसे कि मुझे यहाँ पर 9 रुपीज़ यहाँ पर जैसे कि मैंने फर्स्ट ट्रांजेक्शन किया था यहाँ पर 9 रुपीज़ मुझे क्रेडिट किए गए हैं। फिर जैसे कि ये बहुत ही अच्छी बात होने वाली है, अगर आप यहाँ पर लक आप अच्छा रहे तो आपको यहाँ पर 150 रुपये तक आप अर्न कर सकते हैं। एंड अगर आप यहाँ पर अपना फुली KYC करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपना फुली KYC इसी एप्लीकेशन के जरिए आप करवा सकते हैं। एंड आपको यहाँ पर जो कस्टमर है आपको वो आपको कॉल करेगा एंड आपसे पूरी की पूरी जानकारी लेकर आपका KYC करवा देगा या कर देगा। एंड आपको यहाँ पर घर पर विजिट किया जाएगा एंड आपको जो डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं वही आपको दे देने हैं एंड आपका यहाँ पर फुली KYC करके आपका बैंक अकाउंट पूरा का पूरा रेडी हो जाने वाला है। फिर ये बहुत ही आसान एंड सिंपल है फ्रेंड। अगर आप इसको 1 साल के लिए यूज़ करना चाहते हैं बैंक अकाउंट को, 1 साल के लिए यूज़ कर लीजिए एंड आप उसको रहने दीजिए। फुल KYC करवाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। एंड आप अगर आप इसको लाइफ टाइम यूज़ करना चाहते हैं इस अकाउंट को तो आप इसको लाइफ टाइम भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड। इसी के साथ फ्रेंड यहाँ पर जैसे कि मैंने अब बताया था जैसे कि यूनियो कार्ड जैसे कि मैंने मंगवाया था एंड यूनियो कार्ड मंगवाया था एंड मुझे उसकी यहाँ पर आपको पेमेंट टेस्ट करके दिखाना है फ्रेंड। जैसे कि यहाँ पर मैं अब सीधे आपको ATM पर मैं यहाँ पर ले जाता हूँ एंड आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि ATM में ये वर्क करता है कि नहीं। एंड फ्रेंड देरी ना करते हुए यहाँ पर ATM पर हम चलते हैं। फ्रेंड जैसे कि यहाँ पर मैं ATM पर आ चुका है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर यूनियन कार्ड मेरे रहने वाला है फ्रेंड। जैसे कि यहाँ पर मुझे देखिए फ्रेंड यहाँ पर मैं ATM में इसको इंसर्ट कर देता हूँ। फ्रेंड जैसे कि यहाँ पर ATM में यहाँ पर रीड किया जा रहा है एंड रीड करने के बाद फिर यहाँ पर मैं वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करूँगा। फिर यहाँ जैसे कि यहाँ पर यस बोल रहे हैं यहाँ पर यस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर पिन यहाँ पर डाल देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर सिक्योरिटी यहाँ पर मैं कैमरे को साइड में कर लेता हूँ एंड जैसे कि यहाँ पर मैं अपना पिन भी डाल दिया। डालने के बाद यहाँ पर मोबाइल बैंकिंग यहाँ पर पिन चेंज यहाँ पर अदर पर चले जाते हैं। फ्रेंड जैसे कि ये बिल्कुल भी ATM में वर्क नहीं कर रहा है फ्रेंड। जैसे कि ये ATM कार्ड जैसे कि मैं सब कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ एंड यहाँ पर ये बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है। फ्रेंड जैसे कि यहाँ पर बैलेंस की इंक्वायरी लेकर लेना चाह रहा हूँ यहाँ पर बैलेंस की इंक्वायरी भी यहाँ पर नहीं हो रही है। फ्रेंड जैसे कि यहाँ पर ये क्या क्या सपोर्ट कर रहा है, प्रिंट, रिसिप्ट, डिस्पेंस कैश, एक्सेप्ट कैश डिपॉजिट, जैसे कि ये यही वाली सिस्टम। यहाँ पर मैं अपना पिन डाल देता हूँ। फ्रेंड जैसे कि यहाँ पर यही ऑप्शन यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। फ्रेंड जैसे कि यहाँ पर बैलेंस की इंक्वायरी लेना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पर बैलेंस की इंक्वायरी जैसे कि ये सेविंग अकाउंट यहाँ पर डाल देता हूँ। डालने के बाद यहाँ पर फ्रेंड जैसे कि यहाँ पर इन एलिजिबल अकाउंट जैसे कि यहाँ पर इन एलिजिबल अकाउंट बोल रहा है फ्रेंड। जैसे कि फ्रेंड इसी के साथ ये बता रहा हूँ कि फ्रेंड ये ATM में बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा है। फ्रेंड जैसे कि ये ऑप्शन अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है, जैसे ही अवेलेबल होगा मैं यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा कि ये ATM में वर्क कर रहा है एंड या नहीं कर रहा है फ्रेंड। इसी के साथ फ्रेंड वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ओके फ्रेंड, बाय।